जनरल सिंह भिंडरावाले पर एक बार फिर चर्चा होने लगी है। दरअसल पंजाब के अजनाला में पुलिस स्टेशन पर अमृतपाल ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वो और जनरल सिंह भिंडरावाले सुर्खियों में है। गौरतलब है कि भिंडरावाले की मौत ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुई थी। ज्यादातर लोग उसे आतंकी करार देते हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की राय बिल्कुल अलग रही है। इतना ही नहीं, 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती करार दिया था। कई बार वो सार्वजनिक मंचों पर भी भिंडरावाले की तारीफ कर चुके हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइल्स को डी क्लासीफाई करने की मांग भी कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की भिंडरावाले के बारे में राय, भिंडरावाले एक उपदेशक और संत थे। भिंडरावाले ने सिख धर्म को प्रमोट किया, युवा छात्रों को ड्रग्स से भी दूर रहने के लिए प्रेरित किया। भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक साजिश थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भिंडरावाले की उम्र सिर्फ 35 साल थी। भिंडरावाले कुछ ज्यादा आक्रामक थे, धार्मिक उपदेश देते हुए आक्रामकता दिखने लगती थी, लेकिन दूसरों को यह लगता था कि वह कट्टरपंथी है। कुछ लोग आतंकी तक पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले स्वामी की भिंडरावाले से मुलाकात हुई थी। अकाल तख्त में भिंडरावाले नियमित रूप से मीडिया को संबोधित करने के लिए बुलाता था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल करते हुए पूछा था कि भला कोई टेररिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाएगा। स्वामी ने दावा किया था कि तत्कालीन कम्युनिस्ट हरकिशन सिंह सुरजीत ने सोवियत संघ यानी USSR को संदेश दिया था कि अगर पंजाब में सिख मत लौटा तो राज्य से साम्यवाद का सफाया हो जाएगा। इसके आगे स्वामी ने कहा था कि भारत में सोवियत के राजदूत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन के लिए कहा था। इतना ही नहीं, अमृतसर में एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि 90 के दशक में पंजाब में जो कुछ भी हुआ उन्होंने काफी नजदीक से देखा है। स्वामी ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों ने उस दौर में देश को बांटने की कोशिश की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।